कैंसर के पेशेंटों के लिए भी ये धुआं मौत बन करके आता है। एक तरफ लंग कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, कितने प्रकार के कैंसर, और ऊपर से पराली का धुआं और आ जाए, पोल्यूशन और बढ़ जाए, जितने भी ये किसी भी कारण से पोल्यूशंस होते हैं, ये सर्दी की ऋतु में बरसात में तो नीचे, फिर पानी उनको नीचे ले आता है, गर्मी में ये पोल्यूशन थोड़ा डाइल्यूट होता रहता है, ये घनीभूत हो जाता है कोहरे के अंदर, जब हवाएं तेज नहीं चलती हैं और वाष्पीकरण पूरा नहीं हो जाता, तो नीचे इसकी परत जम जाती है पूरे वातावरण में पोल्यूशन की। मरकटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये तो सबको कर लेने चाहिए बैठ करके भी। दो तीन आसन और बताएंगे, फिर प्राणायाम बताएंगे। कैंसर वालों को भी सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लेना चाहिए, और ये जो सात चीजें हम बताते हैं सुबह सुबह, गोधन अर्क के साथ साथ नीम, तुलसी, हल्दी, एलोवेरा, वीट ग्रास। मैंने वीट ग्रास बोला था, नवरात्र में जो नौ दिन बोया था वो एक एक दिन काटते जाए और उसमें नया बोते जाए, नौ नौ दिन में नया जवारा हो जाएगा। हमने तो पूरा खेत में ही बो रखा है, क्यारियां बना रखी, क्योंकि हमारे यहाँ तो हजारों की संख्या में रोगी होते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, श्वास भर के देखो, हम बीमारियां ठीक करते हैं, एक साथ में सैकड़ों बीमारियां ठीक करने का दावा ही नहीं करता, खाली जो है मैं लोगों को के भीतर होप नहीं बढ़ाता, खाली मैं खाली लोगों को इंस्पायर ही नहीं करता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस के साथ ही नहीं, एविडेंस के साथ वर्त करता हूँ कि हम योग से रिप्रोडक्टिव आर्क्स के डाइजेस्टिव स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक साथ रिप्रोडक्टिव आर्क्स के सर्कुलेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक साथ पूरे सिस्टम को अच्छा करते हैं। इसलिए चाहे वो अस्थमा है, चाहे वो इंडाइजेशन है, चाहे वो बीपी, शुगर, अर्थराइटिस है, जितने भी बीमारियां हैं वो तब होती हैं जब हमारी बॉडी ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं करती, हमारे भीतर के केमिकल्स और हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, बॉडी माइंड थॉट इमोशंस में कहीं बैलेंस बिगड़ता है। तो योग से पूरी बॉडी, पूरा माइंड, सब कुछ, माइंड, बॉडी, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी, सब एकदम लेवल में आ जाते हैं, ऑर्डर में आ जाते हैं, इसलिए सारे डिसऑर्डर दूर होते हैं। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठन, आसनस्पर्शासन भी, अब तो मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छा करने लग गई है, ये भी आसन बहुत अच्छा है जो अभी हम कर रहे हैं, सेतु बंधासन, ये कमर के लिए भी अच्छा है, यूट्रस और एनस किसी का प्रोलैप्स होता है उसके लिए भी अच्छा है जी स्वामी जी, अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छा है। बाकी बैठ करके भी ऐसे कर सकते हैं, देखो ये ऐसे जो खड़े होकर के कर रहे हैं स्वामी जी, योगासन तो ये जारी रहेंगे, ये क्रियाएं सभी करते रहे, लेकिन इस बीच कुछ सवाल भी हम ले लेते हैं। इस वक्त निशा सांघवी का एक सवाल है, और उनका ये कहना है कि स्थिति उनकी ऐसी है कि वो ऑक्सीजन पर डिपेंड करती हैं, और उन्होंने, उनको डॉक्टर्स ने लंग ट्रांसप्लांट भी बोल दिया है, ऐसे में इस वक्त उनके लिए क्या जरूरी है, क्या कर सकती हैं वो? लंग ट्रांसप्लांट बोल दिया ऐसे, इसको भी बोला हुआ था, इधर आओ बेटा दीपिका, यहाँ करो। तो वो क्या करें, मैं पहले तो कैंसर वाला भी पूरा कर देता हूँ। ये कैंसर के लिए जो हम बताते हैं, वीट ग्रास से लेकर के, एलोवेरा से लेकर के, लंबा लंबा श्वास ले, भस्त्रिका या कपाल भाती के साथ गोमुखासन एक तरफ से और दूसरी तरफ से कर ले, है ना, जितना जिससे बन पाए, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर लेना बेटा, अभी हाथ ऊपर लो और दूसरा पीछे से लो, और ऐसे करें। अब ये मैंने इस बेटी का ठीक किया इसलिए लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। एक तो रोज प्राणायाम कराते हैं भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, कपाल भाती अभी तो आसन में करवा दे रहे, गोमुखासन में से, और फिर खुल जाते हैं पूरे ये, फिर कपाल भाती, फिर अनुलोम विलोम, एक ऐसे बैठो, आराम से बैठो, बेटा वज्रासन में बैठो, और ये उत्तान कोरम आसन, ऐसे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को ऐसे पीछे से कंधे को पकड़ो, ऐसे कंधे के ऊपर ले जाओ और ऐसे करो, ऐसे, और इसमें लंबे लंबे श्वास लेते रहे, भस्त्रिका करें। तो जिनको लंग ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है,
ये या तो स्वासारी लें खाली पेट दो दो गोली, जो हम जो है स्वासारी ये सबको भी देते हैं, जिनको कोरोना हो गया उनको भी देते हैं, कोरोनिल के अंदर भी है ये, स्वासारी क्वाथ भी है, स्वासारी प्रवाही भी है, लेकिन जिनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो, स्वासारी 20 ग्राम, त्रिकुटा 20 ग्राम, सेतोपलादी 20 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम और 2 से 3 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती, ये सब मिलाकर के 60 पुड़िया बना ले, एक महीने की दवाई हो गई। 20-20 ग्राम स्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी 20-20 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 2 से 3 ग्राम, 60 पुड़िया बना ले, सुबह समय एक एक पुड़िया ले ले, खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी ले लें, दूध में हल्दी शिलाजीत और च्यवनप्राश पी लें। और ये तो अभ्यास बता रहे हैं हम, गोमुखासन, ये उत्तान कूर्मासन, और नहीं तो ऐसे आराम से बैठो बेटा, मेन है प्राणायाम, इसको चाहे ऐसे कर ले चाहे ऐसे श्वास भर ले, हाँ करो बेटा तुम तो।